गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है आपका अपने चैनल PBR स्टडी पे। आ जाइए भाई, सभी लोग जुड़ जाइए। सबको नमस्ते, सबको गुड मॉर्निंग, सभी को सलाम, सभी को सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे मित्रों, कैसे हैं मेरे भाइयों? आ जाइए फटाफट जुड़ जाइए। हमारा जो लास्ट क्लास थी, लास्ट लेक्चर था, 5 नंबर में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था भाई, मैं शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने मित्रों में, जो भी आपके ग्रुप्स होंगे उनमें फटाफट शेयर कर दीजिएगा। तब हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली बार हमने देखा था भाई, हमारा जो ग्लैंड थी पैराथायराइड्स, उसका नंबर था 5। आज हम देख रहे हैं भाई 6 नंबर की। टोटल हमें 9th पढ़नी है। 6 नंबर पर हमारी जो ग्लैंड है उसका नाम होता भाई थाइमस ग्लैंड। नंबरिंग इसका होगी 6 नंबर आप लोग लिख लेंगे। 6 नंबर पे होती है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। क्या काम होता है थाइमस ग्लैंड की, लोकेशन कहाँ होती है, कैसी दिखती है और क्या क्या फीचर्स हैं, इट्सेक्ट्रा इट्सेक्ट्रा। कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है, व्हाट इज़ द फंक्शन एंड वर्क ऑफ थाइमस ग्लैंड। बस कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही छोटा टॉपिक है। आई थिंक मुझे बिलीव होगा कि मैक्सिमम आपका 20 से 15 मिनट टाइम लेगा इस टॉपिक में मैं लूँगा, और आपका जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, तैयार हैं आप लोग, स्टार्ट करें हम अपने टॉपिक को। आ जाइए फटाफट भाई। चलिए पहला पॉइंट हिंदी मीडियम वाले चलिए लिखते हैं भाई, थाइमस ग्लैंड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। जो साथी मेरे हिंदी वाले होंगे लिखेंगे थाइमस ग्रंथि, ठीक। अब इससे एक चीज़ और जुड़ा रहेगा थाइमस ग्रंथि से, दूसरी चीज़ आती है भाई इसकी लोकेशन। लोकेशन का मतलब स्थिति, लोकेशन, लोकेशन का मतलब स्थिति। हिंदी मीडियम वाले साथी, स्थिति कहाँ पर पाई जाती है ना, हमारे बॉडीज़ के किस पार्ट में पाई जाती है, तो क्या लिखेंगे, चेस्ट। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे चेस्ट में, और हिंदी मीडियम वाले भाई अगर हिंदी जानना चाहते हैं तो वक्ष कहते हैं चेस्ट को, शायद वक्ष में ना, वक्ष कहते हैं। तो कहाँ पाई जाती है, हमारे चेस्ट के नीचे पाई जाती है ये, वक्ष में। क्या होती है, थाइमस ग्लैंड। फीचर्स के बारे में अगर हम देख लें तो इसकी फीचर्स या इसकी साइज की बात, अगला पॉइंट आता है साइज के पास। तो इसकी साइज कैसी होती भाई, वेरिएबल नहीं होती है, ये वेरिएबल साइज होती है। यानी अगर हम कब है भाई, 0 to 5 ईयर, हम कितने ईयर के हैं, 0 से 5 ईयर्स के नीचे हैं, मतलब 5 साल का जो बच्चा है उसकी कैसी होगी। ये हमारा जो है टिक, 0 to, ये 0 है, हमारी एज बता रहे हैं हम, 0 है, यहाँ 5 है, और यहाँ क्या भाई 25। देन फाइनली हम क्या जा रहे हैं, हम किस में जा रहे हैं, अपने एल्डेस्ट डर या मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन वाली एज में चीज़ें क्लियर हो। मैंने कहने का मतलब क्या भाई बताया, यदि हम कोई बच्चा हमारा 0 से 5 ईयर का रहेगा तो उसकी जो है मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगी, वो सबसे अधिकतम साइज हो जाएगी, मतलब काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होती है, इसीलिए हम एक हमारी ऐसी ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड को, थाइमस ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है जो हमारी एज के साथ घटती बढ़ती है, उम्र के साथ, उम्र के साथ बढ़ना, फिर एकदम से छोटा होना। क्लियर हुआ, थाइमस एक ऐसी ग्रंथि होती है जो हमारी एज के साथ घटती और बढ़ती है। यानी हम जब 5 साल के होंगे तो ये हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट होगी, बड़ी हो जाएगी। कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी ग्रंथ हमारी एज के साथ अपनी साइज को बढ़ाती घटाती है, तो आपके विकल्प बहुत सारे दिए जा सकते हैं। तो क्या मारेंगे, आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है पिट्यूटरी दिया जा सकता है, हाइपोथैलेमस दिया जा सकता है, थायराइड दिया सकता था, या थाइमस दिया सकता है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, थाइमस जो है एक ऐसी ग्रंथि होती है जो हमारी एज के साथ बढ़ती रहती है, लेकिन एक मैक्सिमम एज होती है, कितने ईयर तक, 25 ईयर,
यानी जब हम प्यूबर्टी एज में रहते हैं तभी तक ये प्रोसेस चलती होती है। जब हम ओल्डेस्ट एज में पहुँच जाते हैं, ओल्ड एज में, तो क्या हो जाती है, दे आर एंड अप हो जाती है, मतलब ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है, एंड अप हो जाती है। क्या हो जाती है, एंड अप हो जाती है। पहला पॉइंट आप ये जान लिए, यानी कि वह कौन सी ग्रंथ है जो हमारे बुढ़ापे में काम करना बंद कर देती है या इनएक्टिव हो जाती है, तो थाइमस ग्लैंड होती है। चीज़ें क्लियर हुई आपको यहाँ से। थाइमस ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है जो हमारी ओल्डेस्ट एज में बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, इसके फंक्शंस को देख लें हम लोग। फंक्शंस क्या होते हैं भाई, इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इसका, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भाई मेरे लिखेंगे कार्य। क्या कार्य है, क्या काम करती है ये हमारी बॉडीज में, क्या काम करती है भाई ये, क्या करती है ये, फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉडी। कहने का मतलब क्या होता भाई, यह हमारे शरीर में अब एंटीबॉडीज को हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख दें भाई, एंटी बॉडी का निर्माण करती है, सहायक होती है, ठीक है। इसका सबसे मेन काम यही होता है। इससे क्या आप सीखेंगे, एंटीबॉडीज़ का मतलब क्या होता है भाई, यानी क्या होता है, जब हम जो है कहाँ पर एंटीबॉडीज़ बनता है हमारे, हमने क्या पढ़ा था, हमने ब्लड पढ़ा था आपको, ब्लड पढ़ाया था, ब्लड जिसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये बोन हो गई हमारी, बोन में ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है ये, ठीक है, बोन में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ये ब्लड हो गया। और ब्लड में क्या होता है, WBC, और WBC में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स। चीज़ें क्लियर हुई, मैंने आपको पढ़ाया था, जब ब्लड पढ़ाया था ये सब चीज़ें बताया था, WBC में क्या होता है हमारा, लिम्फोसाइट्स होता है। तो यानी क्या होता है, ये लिम्फोसाइट्स को क्या करती है भाई, लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करती है, एक्टिवेट्स ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक। थाइमस ग्लैंड में क्या होता है, क्या होती भाई ये थाइमस ग्लैंड, क्या करती है, किसको, किस में हेल्प करती है, हमारे एंटीबॉडीज के निर्माण में, किसके हेल्प से, ब्लड के। ब्लड में क्या होता है भाई, WBC में क्या होता है, लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट्स से क्या होता है भाई, जो हमारा इन्फेक्शन होता है, कोई एंटी इन्फेक्शन डिजीज आता है तो क्या करता है, उसको वह किल्डअप कर देता है, कौन किल्डअप कर देता है, लिम्फोसाइट एक सेल्स बनाती है जिसको हम नाम देते हैं T4 सेल, ठीक है। जब हम सेल्स के बारे में आगे डिटेल में बताएंगे तो T4 सेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक। क्या बताया मैंने भाई इसके बारे में, T4 सेल्स के बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे, पढ़ लेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए इसका मेन हार्मोन्स की बात अगर आती है, कौन सा हार्मोन्स इससे सीक्रेट होता है, हार्मोन्स की तो इसका नाम ही थाइमस ग्लैंड है, तो हार्मोन्स भी इसका जनरली कौन सा सीक्रेट होता है, थाइमस हार्मोन्स। थाइमस हार्मोन्स का सीक्रेशन कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड में। एक ही हार्मोन्स है इसके पास, थाइमस हार्मोन्स। क्या काम करती है भाई, यही हार्मोन जो है किसको कंट्रोल करता है, किसमें रेगुलेट करता है, किसको वर्क करता है, T4 सेल्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। चीज़ें क्लियर हुई, थाइमस नामक हार्मोन्स किससे सीक्रेट होता है, थाइमस ग्लैंड से। किसको रेगुलेट करता है, किसको एक्टिवेट करता है, तो किससे करता है, T4 सेल से, ठीक। ये हुई बात थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड बहुत ही छोटी पार्ट है, आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि थाइमस ग्लैंड जो है हमारे शरीर के किस पार्ट में पाई जाती है, आंसर होना चाहिए चेस्ट में, ब्रेस्ट में। वह ग्रंथि जो हमारी उम्र के साथ बढ़ती या घटती रहती है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, थाइमस हार्मोन्स। काम क्या होता है इस हार्मोन्स का,
काम क्या होता भाई, ये हमारे शरीर में क्या होता है, किसको बनाता है, टी फोर सेल्स को। टी फोर सेल्स का मतलब ये होता है भाई लिम्फोसाइट सेल। लिम्फोसाइट्स क्या होता भाई, ये क्या होता है, इसको कहते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को क्या करता भाई ये, इम्यून सिस्टम का मतलब होता है रक्षा कवच, हिंदी मीडियम में लिखेंगे रक्षा कवच। इम्यून सिस्टम रक्षा कवच का क्या करता है, कंजर्वेशन करता है, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। चीज़ें क्लियर हुई, क्या मैंने बताई, टी फोर सेल या लिम्फोसाइट्स क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता, कंजर्वेशन करता है। कैसे करता भाई, इम्यून सिस्टम को कंजर्वेशन करता है। मान लीजिए आप किसी प्लेस पे हैं, ये कोई प्लेस होता है ठीक है, और सूचना मिल रही है हमारे यहाँ, क्या मिल रही भाई, सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ बॉम्ब्स जो है इस प्लेस में, सोशल प्लेस है, यहाँ पर कुछ बम लगा दिए गए हैं, हमारी बॉडीज में कोई आर्गन है, कुछ डिजीज जो है उस पर क्या कर रहे हैं, इस पर ये बॉडीज आर्गन हमारा है ठीक है, इस पर यह डिजीज है, वो अटैक कर रहे हैं ठीक, अटैक कर रहे हैं ऐसे ठीक है, अटैक कर रहे हैं भाई, तो इसको कौन बचाएगा अटैक करने के लिए, हमारे बॉडीज में क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है, और उसी इम्यून सिस्टम में क्या होती है, टी फोर लिम्फोसाइट्स, टी फोर लिम्फोसाइट सेल होती हैं, ये लिम्फोसाइट हो गया, इन्होंने क्या दिया भाई, टी फोर सेल को एक्टिवेट किया, और टी फोर सेल क्या करेगा, इसको डिफ्यूज कर देगा, इस बम को या इस डिजीज को क्या कर देगा, डिफ्यूज कर देगा, यानी जो ये इन्फेक्शन, ये जो मतलब जो ये ऑर्गेनिज्म होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो हार्मफुल होंगे हमारे लिए, उनको किल्डअप कर देगा, यानी ये इनको क्या कर देगा, मार देगा, मार देगा ठीक है। ऐसे हमारे शरीर की ये रक्षा करता है ठीक। तो जनरली आप जान लीजिए, तो इसका मेन रोल होता है थाइमस ग्लैंड का, फॉर्मेशन ऑफ टी फोर सेल, या हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है ठीक है। क्लियर हुआ आपको जो पॉइंट मैंने बताया, क्लियर हुआ अच्छे से आपको, क्या बताया मैंने भाई, टी फोर सेल्स का क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है ठीक, यही इसका मेन वर्क होता है। इसीलिए जो ओल्ड एज वाले होते हैं, जो बुढ़े लोग हो जाते हैं, अगर उनको कभी भी कोई छोटी सी डिजीज अगर हो जाए, छोटी सी डिजीज का मतलब क्या होता, अगर मान लीजिए उन्हें क्या हो जा रहा, बुखार हो गया या फिर जुकाम हो जा रहा, anyway, कुछ भी हो जा रहा, तो क्या हो जाएगा उनके पास, अगर उनको जुकाम या बुखार या सर्दी कुछ भी हो जाता, तो हमारी कंपेयर में, जैसे कि हम लोग हैं, हम एल्डेस्ट हैं, यानी 25 टू 40 या 30 एज वाले, उनके पास ये डिजीज जो है जल्दी ठीक हो जाती है, बट जो हमारे ओल्डेस्ट एज के पर्सन होते हैं, उनके पास अगर ये डिजीज आ जाती है तो जल्दी ठीक नहीं होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमारे इम्यून सिस्टम को कवच कौन प्रदान करता है, प्रोटेक्ट कौन प्रदान करता है, तो हमारी जो थाइमस ग्लैंड है, ये इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है, मतलब रेगुलेट करती है, यानी हमारे WBC या जो ब्लड्स में WBC सब पाए जाते हैं, उसमें जो क्या पाया जाता है भाई, हमारा WBC पाए जाते हैं, प्लस उसमें क्या पाया जाता है, हम लिम्फोसाइट सेल पाए जाते हैं, और लिम्फोसाइट्स में क्या होता है, हमारा टी फोर सेल्स होते हैं ठीक है। तो उन्हीं को क्या करता है, ये रेगुलेट करती है ठीक है, विद इन द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से, थाइमस हार्मोन्स के हेल्प से ठीक है। तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हुई होंगी, ये सारी चीज़ें, किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे ठीक है। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा अपने दोस्तों में ठीक है, और शेयर करिएगा खूब ज़्यादा से ज़्यादा, जिन भी मित्रों को नहीं समझ में आएगा वो वीडियो को दो बार देखेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। छोटा सा पॉइंट था, छोटी सी टॉपिक था, 6 नंबर की हमारा टॉपिक था थाइमस ग्लैंड, बहुत ही छोटा चीज़ है थाइमस ग्लैंड, और इसमें कुछ है नहीं ठीक है। अब हमारे पास जो 3 ग्लैंड बची हैं, 9 ग्लैंड है हमारे पास, बचा है पैंक्रियाज, गोनाइट्स, और क्या बचे भाई, पैंक्रियाज, गोनाइट्स, और पीनी, क्या नाम है, रीनल ग्लैंड, 3 ग्लैंड और बची हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे ठीक है। तो ये 6 नंबर की ग्लैंड हमारी कंप्लीट होती है ठीक। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, PBR चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा
जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।